हे, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये अपन पहली बार कर रहे हैं कि फ्यूजी फिल्म्स के कैमरे के अंदर मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। अभी सुबह हो गई है, नाइट में अपन होटल में रुके हुए थे यहाँ पे, जो कि काफ़ी अच्छी होटल है। नाइट में मेरे को इतना पता नहीं था कि ये इतनी अच्छी लोकेशन है। होटल के चारों ओर बस पहाड़, वादियाँ ही वादियाँ हैं। बीच में है ये होटल पहाड़ों के बिल्कुल, और काफ़ी शानदार माहौल है इसका। ये देखो, दिख रहे होंगे आप लोगों को। अभी अहमद भाई ये और उनके बड़े भैया उमर भैया वो आएंगे, उनकी एक बात देख गया आपकी, उनके घर में एक नया मेहमान आया है, उसके बावजूद उन्होंने उनको घर पे ड्रॉप करके फिर वो मेरे को लेने के लिए 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर वहाँ पर रास्ते में आके बैठे हुए थे। जबकि अहमद भाई ने उनको मना किया था कि आप रहने दो भाई जान, आप बाद में आ जाना, वहीं मिल लेना होटल के अंदर ही। लेकिन फिर भी वो आए तो काफ़ी अच्छा लगा। और किश्तवाड़ के अंदर ओनली ये चार चार पर्सन है जो ही राइडर है, फिर इनके जो भी कम्युनिटी है वो सारी कश्मीर के अंदर है, कश्मीर राइडर्स। तो वो काफ़ी अच्छी कम्युनिटी बन रही है कश्मीर के अंदर भी। तो ऐसे ही लिंक बनते हैं, हम केवल ओनली इंस्टाग्राम पे मिले थे फहीम भाई के ज़रिए, और उसके बाद में देखो इतना अच्छा से उन्होंने अपने को मैनेज किया सब कुछ, मतलब खाने से लेके होटल तक सब उन्होंने ही किया, अपन ने कुछ नहीं किया। तो काफ़ी अच्छा लगा ऐसा। हे व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग। आज अपने नए ब्लॉग का नया दिन स्टार्ट, या फिर नए दिन का नया ब्लॉग स्टार्ट। और अभी जहाँ अपन आए हुए हैं वो सारे राइडर इकट्ठा हो चुके हैं। थैंक यू टू उमर भाई, अहमद भाई, जो अपना कीमती टाइम निकाल के अपने साथ आ रहे हैं। और बाइक कुछ ऐसे है, ये है उमर भाई का, ऐसे भाई का। गुड मॉर्निंग ब्रो। गुड मॉर्निंग बॉस। बस मजे मजे। कैसा नींद आया? बिल्कुल आया, मस्त आया। आपको क्या खाया डिनर में? तो गाइस यहाँ से अपनी राइड स्टार्ट होती है वापस। तो यहाँ पे सुबह यहाँ से ये अहमद भाई, उमर भाई। ये है अपने कश्मीर की राइड, और ये है अपने सारे कश्मीर राइडर्स क्लब। तो कैसा लगा आपको? ठीक है, करो। और ये राइड स्टार्ट हो चुकी है अपनी किश्तवाड़ के अंदर, जो कि अहमद भाई और उमर भाई ने अरेंज की है। बोलने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि नाइट में यहाँ पे सर्दी बहुत थी। और काफ़ी अच्छा माहौल क्रिएट कर दिया इन्होंने। सुबह सुबह लड़कियां स्कूल जाते हुए, वो अच्छी देख रही थी। और ये अपन मेन रोड पर लग चुके हैं। और अभी आने वाला है काफी मजा। अक्षत भैया, आप बोल रहे थे नहीं जाना है किश्तवाड़, नहीं जाना, लेकिन नहीं आते थे इन सबको मिस कर देते ना अपन, आपको भी आना चाहिए था।
जैसे नाइट में इन्होंने किया था एस्कॉर्ट, वैसे एस्कॉर्ट कर रहे हैं, बीच में डाल रखा है अपने को, आगे दो बाइकर पीछे दो बाइकर। और किश्तवाड़ काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे, जैसे होटल के अंदर घुसे थे तो चेत दादा की याद आ गई मनाली वाले, क्योंकि जैसा उनका घर था वैसे की वैसी होटल थी। अब सोचो आपकी चेत दादा का घर कैसा रहा होगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट लेंगे अपन, फिर यहाँ से आगे निकलेंगे। और इस होटल में अपन नाश्ते के लिए आए हुए हैं, सुबह ब्रेकफास्ट लेके फिर यहाँ से राइड स्टार्ट हो जाएगी अपनी। ब्रेकफास्ट काफी अच्छा था, शुद्ध शाकाहारी। किसी चीज़ के बारे में आप कुछ सुनते हो ना नेगेटिविटी, और जब आप वहाँ जाते हो और फील करते हो कुछ और ही उसका बिल्कुल अपोजिट, तो काफ़ी अच्छा लगता है। फिर मन में ऐसा आता है कि यार लोग क्यों पहले ही गलत फहमियाँ पैदा करते हैं। नहीं करना चाहिए। अच्छा नहीं रहता है कि आप किसी को जानते नहीं और उसके बारे में गलत चीज़ें बोल रहे हो, तो बहुत ख़राब लगता है। और जब ये चीज़ें उनको पता चलती है कि जिसके बारे में बोला है, तो वो और कितना ख़राब लगता है। इसलिए किसी को जाने बिना पहचाने बिना उसके बारे में मत बनाओ राय। मुझे ज़बरदस्त है अभिनंदन की याद दिला दी, अभिनंदन सर सॉरी, थैंक यू किश्तवाड़, बहुत अच्छा लगा। अब फहीम भाई से मिलने के लिए और भी बेकरार हैं, भाई ने ब्रेक लगाया कितना अंदर घुसा दिया। ये किश्तवाड़ की मेन गली है शायद, इसलिए यहाँ पे इतना ट्रैफिक लगा हुआ है। और मैं भी नाइट में अपन ने जो खाना खाया वो भी आ गया है, अभी दिखाता हूँ आपको, जस्ट ए मिनट। यहाँ पे सैलून में भी आना था लेकिन अपन आए नहीं। बाकी ये है तंदूर वाला, ये अभी थोड़ा रोड खुला मिलेगा तब अपन खींचेंगे। और गाड़ी इस बार नॉन स्टॉप सिंतान वैली ही जाएगी, पहले कहीं पर रुकेंगे नहीं क्योंकि मौसम इधर ख़राब होगा। तो उसकी सिंतान वैली की हाइट है 15,000 फीट, तो वहाँ पे हल्का सा ही मौसम ख़राब होता है तो वहाँ पे बर्फबारी हो जाती है जिससे रूट बंद। अच्छा काफ़ी शानदार रास्ता है और ये गार्डन है पूरा अंदर, अच्छा बहुत ही अच्छा। और भाईजान अपने साथ है भाईजान पूरे हीरो है यहाँ के, किश्तवाड़ के पूरे जॉन है ये, मतलब हर एक बंदा हर एक पुलिस वाला इनको जानता है, बिजनेसमैन है। आप तेल भराना पड़ेगा, किश्तवाड़ काफी खूबसूरत जगह है यार, आना चाहिए। हाँ जो भी जम्मू से होते हुए ले जाता है उसको किश्तवाड़ आना चाहिए, किश्तवाड़ फिर ये मुगल गार्डन वगैरह ये आ जाते हैं, मतलब वो कश्मीर वाला नहीं। और आलू फार्म आ जाता है इधर, जो कि काफ़ी फेमस है अपने नून चाय के लिए। उसके बाद में
सबसे अच्छी जगह सिंतान वैली। बस सिंतान वैली का एक ही माइनस पॉइंट है कि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो जब भी वहाँ पे मौसम ख़राब होता है किश्तवाड़ के अंदर या कहीं पे भी आसपास के एरिया में, तो 99% वहाँ पे बर्फबारी हो जाएगी, जिससे क्या होता है कि रूट पूरा बंद हो जाता है। और अभी जो रास्ता रहेगा वो भी बर्फ़ के बीच में से होकर निकलेगा, दोनों साइड बर्फ़ रहेगी और अपन उसमें से निकलेंगे। और जो राइडर्स अपने को मिले यहाँ पे, चारों ही काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छी जान पहचान है इनकी, मतलब बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है इनका। काफ़ी मज़े ले रहे हैं उमर भाई, और वैली काफ़ी गजब कर रही है। उमर भाई साहब के पूरे मजे। आप कितना कुछ कर रहे हैं यार, यप। अब आया असली कश्मीर, मतलब रास्ता है। कश्मीर तो अब भी दूर है, लेकिन फीलिंग वही आ रही है कश्मीर वाली। अपन इसको लेन ज्यादा नहीं कर रहे क्योंकि अपना जाना आगे लगा हुआ है, जो जाना के आगे क्या है कि क्रेस गार्ड भी लगे हुए बाहर, तो वो उसके टच हो सकता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं। जाओगे नीचे फुल होगा क्रॉस, अच्छा उसके बाद एक आर्मी पोस्ट आएगी, हाँ वहाँ पर रुक लेना, वहाँ एंट्री वेंट्री करा लेंगे। ठीक है, मैप डाउनलोडेड है, हाँ बस फिर सीधे चलते जाओ। नहीं ऑफलाइन नहीं कर रखा यार, कर दो वो कर लो, मैप में उसमें कोई इशू नहीं, उस कॉन्टेक्ट कर लेगा। उसको मेरे को आइडिया नहीं है, आप कर दीजिए मैं आता हूँ। ठीक है सेफ भाईजान। स्पीड से निकलना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेदर खराब होने वाला है। हाँ हाँ हाँ, जितना बनेगा उतना स्पीड मारो। ठीक है मतलब 80 किलोमीटर आपको फास्ट जाना है, 80 किलोमीटर। ठीक है 80 से अगर 50 भी क्रॉस करोगे ना फास्ट में, आपका हो जाएगा। मैं आगे बात भी कर दूंगा ना। हाँ हाँ हाँ, होगा कॉल कर लेना मगर आलू फॉर्म से पहले ही। ओके, यहाँ पे भंडारकूट है, पहले भंडारकूट आएगा, मुगल मैदान, खातरू, गुनगा, फिर आलू फॉर्म, फिर सिंतन। तो फास्टली अपने को सिंतान का ही टारगेट रखू ना क्रॉस करने का पहले? क्या है पहले टारगेट सिंतान क्रॉस करने का ही रखे अपन? सिंतान तक आप बैठ नहीं सकते हो, कहीं होटल वोटल नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है बॉस, ओके थैंक यू सो मच, आप सब आए यहाँ तक। बिल्कुल, ओ हो, क्या मौसम है और क्या ही ये व्यूज़ है, चेक करो आप ये व्यूज़। और उसके बाद में क्या है कि सिंतान वैली तक अपने को बहुत ही स्पीड में पहुंचना है क्योंकि सिंतान वैली में मौसम ख़राब होने वाला है, ऐसा बताया उमर भाई ने। तो 72 किलोमीटर्स है यहाँ से सिंतान, तो अपन गाड़ी भगा रहे हैं जितना हो सकता है उतना, फिर फोटोशूट वगैरह करेंगे। कब तक गाड़ी भगाएंगे अपन? बिल्कुल रूट इधर से उधर घूम रहा है सांप के जैसे, आपको भी इसमें दिख रहा होगा अपने जीपीएस के अंदर।
रास्ते काफ़ी डेंजर है भाई, काफ़ी ज़्यादा। थोड़ी सी फटी पड़ी है लेकिन मज़ा भी आ रहा है, क्या करें, अपन ने चुना है तो अपन ही पार करेंगे इसको। इनसे दूर रहने में भले ही है, वो लाते मार रहा पीछे से उछल उछल के। एक अपने पड़ गए तो पता चला अपन नीचे है, और पहाड़ों की हाइट बहुत ऊंची होती जा रही है और अपनी हाइट बिल्कुल कम होती जा रही है। कितनी हाइट से अपन नीचे आ गए यहाँ, और आए काफी तेज मेरे हिसाब से, और तेजी से निकलना होगा क्योंकि अपने पास वापस स्टे करने का कोई ऑप्शन नहीं है, वापस इतना ही आना पड़ेगा पीछे। रेन गियर्स है अपने पास क्योंकि उधर मौसम बहुत जल्द चेंज होता है। अपन चल रहे हैं, वापस ऊपर चढ़ेंगे अपन। अभी इतनी ऊपर से नीचे उतरे, हम नीचे से ऊपर चढ़ने का टाइम आ चुका है। ये नदी, इस नदी का नाम पूछना भूल गया था मैं, पूछना चाहिए था शायद। हो सकता है इससे पहले आपको विंड ब्लास्ट आ रहा हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने वाइजर बंद नहीं कर रखा था, मेरे को अच्छा लग रहा था बाहर से, अंदर हवा आ रही थी मुंह पे तो। लेकिन अब मैंने इधर से रास्ता ही नहीं है, रास्ता नहीं है। ये देखो मजेदार चीजें, नीचे नदी ऊपर पुल जिसके ऊपर हम। सेवेंटी टू किलोमीटर अपने को कैसे भी करके बहुत फास्ट निकालना है।